Hey everyone, welcome back to my channel Cravings of Cooking. तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इटालियन खाने की. और भाई जब बात होती है इटालियन खाने की तो हम सबके माइंड में सबसे पहले आता है पिज्जा, पास्ता या फिर गार्लिक ब्रेड, जो कि बहुत ही कॉमन डिशेज है. और जिस डिश की बात मैं आज करने जा रही हूँ इट इज वेरी अनकॉमन और जो बनी है इटालियन सॉस में. तो जी मैं बात कर रही हूँ पेस्टो पनीर विद हर्ब राइस की. सो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी. तो सबसे पहले क्रीमी पेस्टो पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्पिनच, थोड़ा सा कोरिएंडर, लहसुन की स्लाइस और वॉलनट्स, काली मिर्च और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. और इसे कर देंगे हम ग्राइंड. और इसे ग्राइंड करके हम बना लेंगे इसका पेस्टो सॉस. तो ये हमारा पिस गया है पेस्टो सॉस. और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा लेमन जूस और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स. तो अब तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी. तो मैंने ले लिया है पैन और इसमें डालेंगे अब हाफ टी स्पून के करीब ऑलिव ऑयल. तेल गरम होने के बाद इसमें ऐड करेंगे अपना पेस्टो सॉस. तो ऑयल हमारा गरम हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्राइंड पेस्ट और फ्लेम को रखेंगे लो. अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसमें ऐड करेंगे मिल्क, हाफ कप मिल्क एंड 1 teaspoon फ्रेश क्रीम और अच्छे से कर लेंगे स्टर. और 5 minutes इसे अच्छे से पका के फिर इसमें ऐड करेंगे हम चीज़ फॉर मोर क्रीमीनेस. तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चीज़, इससे और क्रीमीनेस आ जाएगी ग्रेवी में. और चीज़ को भी इस ग्रेवी के साथ अच्छे से फिर से मेल्ट कर लेंगे, पका लेंगे. तो यहाँ हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है. तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने स्पाइसेस, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़े से मिक्स हर्ब्स एंड थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसको 2-3 minutes के लिए थोड़ा सा पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे. तो 5 minutes बाद जब इसे पकाएंगे हम देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है थिक. तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा वाटर, हाफ कप के करीब. अब इसमें ऐड करेंगे अपना ये टोस्टेड पनीर और इसको अच्छे से कर लेंगे स्टर. तो रेडी है हमारा क्रीमी पेस्टो पनीर. और अब इसके साथ मैं बनाऊंगी हर्ब राइस. हर्ब राइस बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ बटर. तो बटर हो गया है मेल्ट, मैं ऐड कर रही हूँ चॉप गार्लिक और इसे अच्छे से कर लेंगे सौते. तो हमारा गार्लिक हो गया है गोल्डन ब्राउन. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे धनिया, चॉप धनिया. नाउ आई एम एडिंग सम सीजनिंग्स, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स एंड थोड़ा सा सॉल्ट. अब इसमें ऐड कर लेंगे अपने बॉइल्ड राइस और अब इसे कर लेंगे अच्छे से राइस को इसमें टॉस, मिक्स कर लेंगे. तो रेडी है हमारे हर्ब राइस. अब इसे सर्व करेंगे अपने पेस्टो के साथ. तो तैयार है मेरा क्रीमी पेस्टो पनीर विद हर्ब राइस. अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.